नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सप्लाई का। सप्लाई के अंदर हम देखेंगे कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति नियम क्या होता है, यानी सप्लाई, सप्लाई कर्व एंड लॉ ऑफ सप्लाई। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। जैसा कि पीछे के लेक्चर के हमने अध्ययन किया था, मांग का नियम, मांग के वक्र, ये सब हमने देखा। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो उसमें जो रिलेशन हमने देखा था उसका जस्ट उल्टा हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। यानी कि जो जो संबंध हमने वहाँ पे देखे थे कीमत के साथ में, वही संबंध हम किसी वस्तु की मात्रा का यहाँ पे कीमत के साथ में देखेंगे। फर्क इतना है कि उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ति होती क्या है। पूर्ति, जैसे कि कई कई बार इसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि पूर्ति और स्टॉक एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। साधारण अर्थ की बात की जाए तो पूर्ति से ऐसे एक वस्तु की मात्रा होती है जो बाजार में उपलब्ध होती है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसकी बात करते हैं तो इसकी परिभाषा में कुछ फर्क आता है। आप हेडिंग लगाइए सप्लाई पूर्ति और लिखिए पूर्ति का अर्थ, वस्तु की वो मात्रा जिसे विक्रेता एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित कीमत पर बेचने को रेडी है, उद्यत है। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेचने को उद्यत होना चाहिए। फर्स्ट, एक वस्तु की कोई मात्रा होनी चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए, बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए, और उस चीज को जो बनाने वाला है या जो पूर्ति करता है वो उसको बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है, तब वो क्या कहलाती है, किसी वस्तु की पूर्ति कहलाती है। यानी वस्तु की वो मात्रा जिसे विक्रेता निर्धारित समय पर निर्धारित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए उद्यत है या बाजार में वो वस्तु उस रेट के ऊपर उपलब्ध है, तो हम कह सकते हैं कि ये वो वस्तु की सप्लाई है। अब हम देखते हैं कि क्या स्टॉक भी सप्लाई है। स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क होता है? स्टॉक क्या होता है? होती वो भी एक वस्तु की निश्चित मात्रा है, निश्चित समय पर बाजार में उपलब्ध होता है या कहीं उपलब्ध है, लेकिन उसे बेचा जाए कोई आवश्यक नहीं। उपलब्ध है लेकिन बेचने वाली शर्त उसके अंदर नहीं होती है। जबकि सप्लाई की अगर हम बात करें तो मात्रा एक निश्चित समय पर मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए और निश्चित कीमत पर उसको बेचने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो ये दोनों फर्क होता है किसी चीज के अंदर, सप्लाई के अंदर और स्टॉक के अंदर। स्टॉक की वो मात्रा जिसे बेचने के लिए विक्रेता उद्यत है वो क्या बन जाती है? आपकी सप्लाई बन जाती है। स्टॉक क्या होता है? एक निश्चित कीमत पर निश्चित वस्तु की मात्रा बाजार में उपलब्ध होती है और जब उसको विक्रेता बेचने के लिए रेडी हो जाता है तो क्या बन जाती है? आपकी सप्लाई बन जाती है। ये डिफरेंस होता है आपका स्टॉक और सप्लाई के अंदर। अब देखिए सप्लाई स्केड्यूल, पूर्ति अनुसूची। आपको याद आ रहा होगा कि मांग अनुसूची में आपको बताया गया था कि विभिन्न कीमत पर जब वस्तुओं की अमुक मात्रा उपलब्ध होती है तो उसको जब हम एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो आपकी कहलाती है मांग अनुसूची। उसी ठीक तरीके से पूर्ति अनुसूची आपकी क्या कहलाएगी? किसी बाजार में विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा की तालिका को हम क्या कहेंगे? पूर्ति तालिका को हम क्या कहेंगे? सप्लाई स्केड्यूल या पूर्ति अनुसूची कहेंगे। विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न मूल्य बेचने के लिए मार्केट में उपलब्ध है, उनको जब एक तालिका के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है सप्लाई स्केड्यूल। ये दो तरीके की होती है, जैसे कि मांग अनुसूची के अंदर होता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। उसी तरीके से क्या है आपका पूर्ति, तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ये दो तरीके से होते हैं। जब आप एक व्यक्तिगत वस्तु की एक ही वस्तु की बना रहे हैं तो व्यक्तिगत हो जाएगी। जब एक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न वस्तुओं की तालिका एक साथ बनाकर हम कंबाइंड बनाते हैं तो उसको कहा जाता है बाजार पूर्ति अनुसूची या मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो ये होता है आपका सप्लाई स्केड्यूल। अब देखिए आप सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र क्या होता है? जो हमने सप्लाई के स्केड्यूल बनाए या जो अनुसूची बनाई है या जो तालिका बनाई है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जब हम उनका रेखाचित्र प्रदर्शन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? सप्लाई कर्व। यानी पूर्ति तालिका को रेखाचित्र प्रस्तुति करना आपका क्या कहलाएगा? सप्लाई कर्व कहलाएगा। यानी कि निश्चित कीमत पर हमको निश्चित वस्तु की पूर्ति के जो डेटाज हमारे पास है उनका हम जब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? सप्लाई कर्व बन जाता है। पूर्ति तालिका का रेखाचित्रीय प्रदर्शन आपका क्या कहलाता है? पूर्ति
वक्र कह देता है। अब पूर्ति वक्र बनेगा कैसे, तो आप बनाइए साथ साथ। हम दो अक्ष पर क्या देखेंगे, वस्तु की पूर्ति और किसके साथ कंपेयर करेंगे इसका, कीमत के साथ। एक अक्ष पर आपने क्या लिखा, कीमत या प्राइस, और यहां हमने लिखा वस्तु की मात्रा जो पूर्ति के लिए उपलब्ध होगी। अब मांग वक्र में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो मांग आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन पूर्ति के संबंध में क्या होगा, आप सोच के देखिए जब से करके कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कम प्राइस के अंदर बाजार में अपनी वस्तु ज्यादा उपलब्ध कराएंगे या जो प्राइस बढ़ेंगे तब आप ज्यादा उपलब्ध कराएंगे। नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा प्राइस आपको मिलेगा बिजनेसमैन की दृष्टि से उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रोड्यूसर की दृष्टि से उसके लिए उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो जैसे जैसे रेट बढ़ते हैं तो आप बाजार में वस्तुओं की सप्लाई करने की कोशिश क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे चीजों के रेट कम हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो आपका उसकी तरफ मोह भी कम होगा और आप वस्तुओं का प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर एक सीमा से चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूर्ति बंद कर देंगे। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मानो कीमत पहले 1 रुपए थी तो आप 5 वस्तुएं बेचते थे, अब 2 हो गई, आपने क्या कर दिया 10। अब और कीमत बढ़ी, आपने वस्तु की और बढ़ा दी, फिर और बढ़ी, आपने और बढ़ा दी, फिर कीमतें और बढ़ी। आप नेचुरल सी बात है, एक जो डिजाइन आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से हमारे पास आएगा। यानी जैसे जैसे कीमतें आपकी बढ़ रही हैं आप वस्तु की पूर्ति क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न मूल्य पर सूची होती है या व्यक्तिगत मांग तालिका की सूची को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सप्लाई कर्व जो है वो बनकर आता है। यानी कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी आप वस्तुओं की पूर्ति क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे कीमतें कम होंगी, मान लो आपको पहले प्राइस अधिक मिल रहा था, वस्तु की पूर्ति करके प्राइस डाउन हुई, आपने थोड़ी कम कर दी, फिर प्राइस और डाउन हुई, आपने और कम कर दी, फिर प्राइस और डाउन हुई, आपने और कम कर दी, और डाउन हुई, और कम कर दी। तो एक तरीके से आपके पास वक्र बन गया होता है, इस तरीके से आता है, इस पर लिख दीजिए SS, सप्लाई कर्व। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, ये देखिए जैसे कीमतें बढ़ रही है वस्तु की मात्रा सप्लाई की बढ़ रही है, जैसे कीमतें कम हो रही है तो कम हो रही है, ये आपका ख्याल है पूर्ति वक्र SS, दोनों तरफ लिख लीजिए पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र क्या कहता है, एक प्राइस इज इंक्रीज सप्लाई इज इंक्रीज, एक प्राइस इज डिक्रीज सप्लाई इज आल्सो डिक्रीज। यानी कि ये क्या बताता है, प्राइस और जो सप्लाई है उसके बीच में धनात्मक संबंध आपको बताता है, पॉजिटिव रिलेशन के बीच में होता है। जबकि मांग में क्या होता था आपका, नेगेटिव रिलेशन, कीमतें बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमतें कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। सप्लाई के अंदर क्या होता है आपका, पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ी सप्लाई बढ़ी, जैसे जैसे कीमतें कम हुई सप्लाई आपकी कम होती है, इनमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि अनुपातिक हो, कि मान लो पूर्ति डबल होगी तो सॉरी कीमत डबल होगी तो पूर्ति भी डबल हो जाएगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करेगा आगे हम इसकी इलास्टिसिटी के आधार पर देखेंगे, लोच के आधार पर तब देखेंगे कम वस्तु किस पर करती है और कीमतों के साथ में कैसा रिलेशन दिखाती है, हाँ संबंध कैसा होगा धनात्मक होगा। अगर कीमतें बढ़ रही है पूर्ति बढ़ेगी, कीमतें कम हो रही है तो कम होगी, अनुपातिक होगी, परसेंटेज समान होगी, समानुपातिक होगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। तो क्या पूर्ति वक्र क्या कहते हैं, एक प्राइस इज इंक्रीज सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, एक प्राइस डिक्रीज सप्लाई इज आल्सो डिक्रीज, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। बना लीजिए। अब बात करते हैं पूर्ति वक्र की मान्यता है, जिससे होती तो है लेकिन अर्थशास्त्र का कोई भी नियम क्या है पूर्णतया नहीं होता है। तो ये कुछ मान्यताओं के ऊपर आधारित होता है, वो मान्यताएं क्या है, देखिए उपभोक्ता की आय रुचि वगैरह में समय कोई चेंज नहीं होता, उत्पादक की तकनीकी में कोई चेंज नहीं होता है, वस्तुएं समरूप पैदा की जा रही होती हैं, वस्तुएं छोटी छोटी होती हैं, वही सारी मान्यताएं अप्लाई होती है जो मांग के लिए में अप्लाई होती है। अन्य बातें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, अन्य वस्तुओं की पूर्ति कीमत स्थिर रहनी चाहिए, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, उत्पादकों को तकनीकी के आधार वगैरह में कोई अंतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी मान्यताएं होती है जिसके आधार पर ये लागू होता है। अब बात करते हैं पूर्ति के नियम की, पूर्ति का नियम क्या कहता है कि सप्लाई जो है वो फैक्टोरियल है इसका प्राइस का,
यानी कीमत का गुणांक होता है। कैसे? सप्लाई का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, मांगी जाने वाली सप्लाई की जाने वाली पूर्ति बढ़ेगी, यानी कि अन्य बातें समान रहती हैं, तो यदि कीमत वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि कीमत में कमी होती है तो वस्तु की जाने वाली पूर्ति भी कम होगी, और ये आपका क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है। यानी कि पूर्ति का नियम क्या कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर अगर कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की जाने वाली पूर्ति बढ़ेगी, यदि कीमत में कमी होती है तो वस्तु की जाने वाली पूर्ति भी कम होगी, यही आपका कहलाता है पूर्ति का नियम। ब्रैकेट में लिख दीजिए, सप्लाई इज फैक्टोरियल ऑफ पी। अब क्या कारण है ये नियम लागू होता है? तो पहला कारण क्या होगा, अब कोई भी उत्पादक है, इसके कारण क्या, क्यों लागू होता है ये? आप एक उत्पादक है तो उत्पादक को अगर ज्यादा कीमत मिल रही है तो उसका लाभ बढ़ रहा है, तो लाभ बढ़ेगा तो सप्लाई क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, बाजार में अपने वस्तुएं जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करेगा, तो उत्पादक का प्रॉफिट बढ़ता है, और जैसे जैसे कीमतें कम होती है उत्पादक का लाभ भी क्या होता है, कम होता जाता है, और अगर लाभ कम होगा तो पूर्ति ज्यादा करेगा या कम करेगा, प्रोडक्शन भी घटाने की कोशिश करेगा कि ये बिजनेस अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, हम कोई दूसरी वस्तु की प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो एक साधारण जो उत्पादक होता है उसको लाभ आकर्षित करता है, जैसे कीमतें बढ़ती है उसका लाभ बढ़ता है, लाभ बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करता है, तो ये इसका एक कारण होता है लागू होने का। दूसरा, अल्पकाल के अंदर क्या होता है, आपकी पूर्ति को चेंज करना संभव नहीं होता, तो मांग में जैसे चेंज होते हैं तो रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, रेट बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो फिर पूर्ति धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होती है, तो ये इस नियम के लागू होने के कारण है। साथ में कुछ और लिख दीजिए, पहला आपको बताया कीमतों में वृद्धि से लाभ बढ़ता है, दूसरा लिखिए कमी, कीमतों में कमी हमेशा उत्पादक या विक्रेता का लाभ कम होता है जिससे पूर्ति कम होती है, कीमतें बढ़ने से अन्य विक्रेता या उत्पादक उत्पादन की ओर आकर्षित होते हैं जिससे वो बाजार में पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं क्या पूर्ति का नियम हमेशा लागू होगा? नहीं, इस नियम के कुछ अपवाद है। पहला लिखिए, अब भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना, कीमतें बढ़ने या घटने का रहता है, तो वर्तमान जो सप्लाई होती है वो चेंज हो जाती है। आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि महीने बाद इसके लिए डबल होने वाले हैं, तो क्या आप उस टाइम बेचेंगे उस चीज को? नहीं बेचेंगे, तो क्या वो पूर्ति का नियम क्या कहता है? अगर कीमत तो आज का कीमत थोड़ी सी बाजार में आ जानी चाहिए उसकी, लेकिन अगर भविष्य में ये चेंज होने की संभावना होती है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। दूसरा देखिए, कलात्मक वस्तुओं के संबंध में, कलात्मक वस्तुओं के संबंध में आप नहीं बेचना चाहते कीमत पर, आपके पास ऐसी चीजें हैं नेक्स्ट देखिए, अर्धविकसित राष्ट्रों में श्रम की पूर्ति, ये एक अजीब सा विरोधाभास होता है। पिछले राष्ट्रों के अंदर अगर आप एक सीमा से ज्यादा मजदूरी बढ़ाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, मजदूरी बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन वो मजदूर क्या करते हैं, उनके पास पैसा आते हैं वो आराम से मजदूर करते हैं, काम पे जाने को इग्नोर करने लग जाते हैं कि चलो एक महीने की व्यवस्था तो 5 दिन में हो चुकी है, 20 दिन मस्ती करेंगे। तो मोस्टली जो अपनी चीज हमें देखने को मिलती है, जबकि पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो उससे सप्लाई बढ़नी चाहिए, तो मजदूरी बढ़ रही है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जैसे कृषि संबंधित वस्तुएं, उन पर यह लागू नहीं
नहीं होता है। जैसे मान सपोज दैट मानसून सही नहीं रहा, अकाल पड़ गया या अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, तो चीज़ें पूर्ति उनकी नहीं बढ़ पाती है। अगर कीमतें बढ़ भी जाए उत्पादन होगा, कीमतें बढ़ेगी, लेकिन जब उत्पादन संभव नहीं है तो पूर्ति कैसे बढ़ाते हैं? तो हर जिसको उत्पादन संभव नहीं है उस पर नियम लागू नहीं है। तो ये है पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद। नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पूर्ति की लोच, पूर्ति में वृद्धि या कमी, उन चीज़ों का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने अध्ययन किया सप्लाई का, सप्लाई होती क्या, सप्लाई और स्टॉक में फर्क क्या है। फिर हमने देखा सप्लाई स्केड्यूल, फिर उसके टाइप्स देखे हमने तो व्यक्तिगत तौर पर सर। उसके बाद हमने अध्ययन किया सप्लाई करों का, जिसका टाइगर प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे बना के देखा, उसकी मान्यताएं देखी किस पे आधार पर ये काम करता है। उसके बाद में हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई और उसके अपवाद का आज हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।